दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहासकार गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर वॉइस रॉयज अपॉइंट किया, जो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे। 1858 से 1947 तक टोटल 20 वॉइस रॉयज हुए, पर इन 20 वॉइस रॉयज में एक वॉइस रॉय अपने इंडिया सेंट्रिक कामों के लिए गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड रिपन की, जो 1880 से 1884 तक भारत के वॉइस रॉय रहे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया और लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस दी। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया, जो इंडियन वर्कर्स की वर्किंग आवर्स को कम कर उनकी जीवन दशा सुधारी। 1882 में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया, जिसने भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के रिफॉर्म्स किए। 1883 द इल्बर्ट बिल पास किया, जिसमें भारतीयों को ज्यादा लीगल राइट्स दिए गए और इंडियन जजेस को ब्रिटिशर्स को भी जज करने का अधिकार दिया गया। पर 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास करवाया, जिसने म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन बनाए गए और उसे ब्रिटिश क्राउन के अंदर रखा गया।